आपको बड़ी खबर बता दें, हिंदू नेताओं की हत्या की साजिश को नाकाम करते हुए गुजरात के सूरत से साजिशकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। मौलाना अबू बकर को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान में बैठे आका इस मौलाना को लगातार आदेश दे रहे थे, निर्देशित कर रहे थे। कई हिंदूवादी नेता टारगेट पर थे। आरोपी के फोन में कुछ आपत्तिजनक चीजें भी मिली है, जिनको लगातार जांचा जा रहा है, पूछताछ हो रही है लगातार मौलाना से भी, और ये पता लगाने की आखिर हो रही है कोशिश कि आखिर कहां कहां तक ये जो नेटवर्क है वो जुड़ा हुआ है, कहां कहां तक इसके तार जुड़े हुए हैं। तो मौलाना की गिरफ्तारी पर सूरत पुलिस के कमिश्नर अनुपम सिंह ने कहा कि कई हिंदूवादी नेता टारगेट पर थे, आरोपी से पूछताछ की जा रही है, इसमें कौन कौन लोग शामिल है जल्दी इसका खुलासा हो जाएगा। इसके मोबाइल फोन में से बहुत सारी ऐसे भी चैटिंग और कॉल्स डिटेल मिली, जिसके अंदर जो ये यहाँ पे जो राष्ट्रीय सनातन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मिस्टर उपदेश राणा, जो एक हिंदूवादी लीडर है, उनको जो है मारने का पूरी प्लानिंग, उसके साथ साथ एक एमएलए हिंदूवादी एमएलए हैदराबाद के श्री राजा सिंह जी नुपुर शर्मा, इनको धमकी देने का और इनको टारगेट करने के लिए इनकी पूरी चैटिंग और पूरी प्लानिंग उसमें इनके मोबाइल फ़ोन में से मिली, आरोपी के मोबाइल फ़ोन से। अभी पूरी क्राइम ब्रांच की टीम अलग अलग टीम बना के कार्रवाई कर रही है। अभी प्राथमिक दृष्टि ये जो मौलवी सोहेल है ये काफ़ी रेडिकलाइज्ड व्यक्ति है, 27 साल इसकी उम्र है और काफ़ी जो धार्मिक उन्माद से भरा हुआ व्यक्ति है ये। तो और क्या क्या ये लोग करने वाले थे, किसी और को टारगेट करने वाले थे, कब करने वाले, इनके साथ कौन है, वो हमारी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता सूरत से प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, अभी क्या जो जांच है वो आगे बढ़ रही है, तो ऐसे में कोई अपडेट मिला है, कहां कहां तक आखिर इस मौलाना के तार जुड़े हुए थे, इसके बारे में कोई अपडेट? जी बिल्कुल, कि जिस तरह से पुलिस कमिश्नर ने कल बयान दिया था कि इनका पाकिस्तान और जापान से लोगों के साथ तार जुड़े हुए थे और वो सोशल मीडिया के थ्रू उनके साथ जुड़े थे। पूरी घटना की जो बात की जाए कि देश के हिंदूवादी नेताओं और भाजपा नेताओं को धमकाने वाले 27 साल के एक सोहेल अबगुर नामक मौलवी को सूरत क्राइम ब्रांच ने सूरत के कठोर इलाके से गिरफ्तार किया था। और सोहेल अकबर मौलवी के भाजपा नेता नुपुर शर्मा, भाजपा विधायक और डी राजा सिंह, निजी चैनल के मालिक सूरज चौहान और सूरत के हिंदू सनातन संघ के हिंदूवादी नेता उपदेश राणा को जान से मारने की धमकी दी थी। और गिरफ्तार आरोपी जो है वो पाकिस्तान और नेपाल के देशों के साथ संपर्क में थे और आरोपी से उपदेश राणा को मारने के लिए 1 करोड़ की सुपारी देने और पाकिस्तान से हथियार मांगने के छेड़ भी मिले हैं। उपदेश को पाकिस्तान और नेपाल के ग्रुप में जोड़कर कमलेश तिवारी की तरह मारने की धमकी दी थी। और आरोपी सूरत के लस्काना की एक फैक्ट्री में काम करता है और मुस्लिम बच्चों को पढ़ाता भी है और धार्मिक भावनात्मक ठेस पहुंचे ऐसी पोस्ट भी करता था। अधिक से अधिक चेट पाकिस्तान और नेपाल के नंबर से उनके संपर्क से मिले और कट्टरपंथी मानसिकता है इनकी। और सूरत पुलिस अन्य एजेंसी की मदद से और भी दस्तावेज बरामद करने की खोज में लगी है। जी ठीक, आप बने रहिएगा प्रशांत हमारे साथ, आगे आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। जी